राधे राधे, आज मैं आपको बताऊंगी बथुए की दाल बनाना। हमारे यहाँ तो इसे सकपहता बोलते हैं यूपी में। ये देखिए, हरे ताजे बथुए लाई हूँ, बिल्कुल खेत के हैं, खेत वाले से ही लाई हूँ मैं। हमारे यहाँ एक रेडी लगाता है खेत वाला, उससे लेके आई हूँ, खेत का ही तोड़ के रखता है वो। देखो कितने अच्छे बथुए ना, बिल्कुल ताजे ताजे। इसकी दाल बनाऊंगी आज मैं। इसमें दाल में डालूंगी एक ये उड़द की, ये मैंने आधा किलो बथुआ लिया है, ये मैंने एक पाव दाल ली है, और ये ज्यादा नहीं, इसमें केवल एक मुट्ठी में चने की दाल डालूंगी, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी और डाल ले रही हूँ। मतलब ये आधा किलो बथुआ है, एक पाव में ये दाल ले ली है मैंने, इसमें बस एक मुट्ठी ये डाली है मैंने चने की दाल, बाकी एक पाव भी दोनों मिला के हो तो भी चलेगा, ठीक है। अब मैं आगे बताऊंगी, इसको धो लूंगी अच्छे से, धोऊंगी अभी तब बताऊंगी। इस बथुए की पहले हम सफाई करेंगे, तो इसमें बिल्कुल खेत का है, तो देखो कच्चा है, बिल्कुल साफ सुथरा है, और जहां तक हमारा ये, मतलब ये ऐसे पत्ती ले लेंगे, हम पत्तियां ले लेंगे, जहां से हमारा ये नरम है वहां से हम ऐसे तोड़ लेंगे इसको, इस तरह सफाई करना है। बथुए के हमने साफ कर लिए हैं बथुए, इसको हम धोएंगे उसके बाद काटेंगे। क्योंकि इसमें मिट्टी भी होती है ना, इसलिए साग है, फिर से धो लेंगे इसको, किरकिरा ना रहे। दाल धो लेंगे हम, तीन चार पानी धो लेंगे कम से कम दाल को भी अच्छे से। देखिए बथुआ मेरा धुल गया है, पहले मैंने छटाई की है, फिर धोया है, और अब इसको काट रही हूँ मैं। अगर मैं इसे पहले काटती और फिर धोती बाद में, तो हमारे जो बथुए का है हरा पानी ज्यादा निकलता, तो पोषक तत्व है वो भी निकल जाते, और बथुआ भी कुछ बहने में चला जाता, इसलिए इसे हम अब काटेंगे। ये देखिए मैंने काट दिया है, इसको अब मैं कुकर में डालूंगी। कुकर में केवल हम नमक डालते हैं, इसमें कोई मसाला नहीं डलता, केवल नमक डालूंगी। उसके बाद हमें तड़का लगाना है, हींग डलेगी और लहसुन और मिर्ची का तड़का लगेगा इसमें, पकने के बाद दाल, लहसुन मिर्ची और टमाटर भी। अब हमें नमक डालना है, एक चम्मच डालूंगी मैं, बाकी जब छौंकूंगी टमाटर से तब डालूंगी। ये हमें अब चढ़ा देंगे गैस पे। देखिए मैंने ये दो लोटे पानी इसमें डाला था और हमने पकाई थी, तो दाल ये गाढ़ी हो गई थी, और अब इसमें हम पानी डालेंगे। कम से कम आधा लोटा पानी इसमें डल जाएगा। ये अब हमारी हुई है सही, इसको थोड़ी देर पकाएंगे हम, 10 मिनट कम से कम बस। ये देखिए हमारे टमाटर गल गए हैं, अब मैं इसमें दाल डालूंगी। इसमें धनिया नहीं डलती, इस दाल में धनिया नहीं डालते इसमें। ये मैंने दाल डाल दी, ये देखिए हमारी दाल बनी है। इसको चावल से, रोटी से, हम तो दाल चावल खाते हैं, हमारे गांव में तो इसको सकपहता बोलते हैं, हम तो इसे सकपहता बोलते हैं।
ये हमारी दाल बन गई है। ये डिश हमारी हो गई बनके तैयार, ये बथुए वाली दाल जिसे हम सकपैता भी बोलते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।